क्या ले जजमान जी, हम लोग पार्ट 5 में आ गए हैं। पिछले बार क्या देखे थे? रिफ्लेक्सिव प्रणाम? नहीं, रिफ्लेक्सिक नहीं, रिफ्लेक्सिस आज देखेंगे। पिछला बार देखे थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रणाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रणाम में क्या क्या देखे थे? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन और एनी। कहाँ पे कहाँ पे क्या लगता है, किसके साथ क्या लगता है, कितने लोगों के साथ उसको लगाया जाता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन और एनी को, ये सब देखे थे हम लोग पार्ट 4 में। याद आया ना कुछ? हाँ, याद रखना। और अब हम लोग आज देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रणाम। एकदम बढ़िया से, एकदम ताम झाम से, एकदम फेयर कॉपी को बनाना है, ठीक है? एकदम तगड़ा। और यानी यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, जो भी काम कर रहे थे अब उसको स्टॉप कर दीजिए 5 मिनट के लिए। नहीं, 5 मिनट के लिए नहीं, आधा घंटा के लिए स्टॉप कर दीजिए एकदम। अब फिर एकदम शुरू। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रणाउन, रिफ्लेक्सिव प्रणाउन कहते किसे हैं? तो देखिए यहाँ पे, अ प्रणाउन दैट इज एडेड विद सेल्फ या सेल्फ्स इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रणाउन। ऐसा प्रणाउन जिसमें हम ऐड कर देते हैं सेल्फ या फिर सेल्फ्स को, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रणाउन। अब बोलोगे कि सर जी, सेल्फ और सेल्फ्स को हम लोग ऐड कहाँ पे करेंगे, किसके साथ ऐड करेंगे? तो यहाँ पे मैंने सब दे दिया है, अब मैं बताता हूँ। देखो, ये सब्जेक्ट हो गया आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, वन बॉय, वन गर्ल एंड वन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रणाउन देखेंगे। आई का क्या हो गया? माई सेल्फ हो गया। वी का क्या हो गया? आवर सेल्फ्स हो गया, आवर सेल्फ्स, ओके। यू का क्या हो गया? योर सेल्फ्स हो गया। फिर यू का क्या हो गया? योर सेल्फ्स हो गया, ओके। ही का क्या हो गया? हिमसेल्फ हो गया। सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ हो गया। वन बॉय का हिमसेल्फ कर देंगे, क्योंकि बॉय तो एक लड़का होता है और लड़का के लिए हम लोग हिम जानते हैं। वन गर्ल के क्या कर देंगे हम लोग? हर सेल्फ कर देंगे, ओके। तो अब देखिए, दीज आर यूज इन द केस ऑफ, इसका यूज किस केस में करेंगे हम लोग? खुद को, स्वयं को और अपने आप को। खुद को, स्वयं को और अपने आप को, इस केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रणाउन का यूज करते हैं, ओके। फिर देखिए, दीज आर यूज्ड आफ्टर वर्ब, यानी कि इसे हमेशा वर्ब के बाद लगाया जाता है। इसका हमेशा यूज कब किया जाता है? वर्ब के बाद किया जाता है, ओके। यहां तक तो एकदम क्लियर होगा, एकदम कोई भी एकदम कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होगा। गड़बड़ नहीं हुआ तो एक लाइक मारो और नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है आपको, ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल बना लेंगे तो थोड़ा और भी हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, हिंदी मैंने लिखा है, हिंदी मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको अच्छा से समझ में आएगा, ओके। मैं अपने आप को जानता हूँ, तो मतलब रिफ्लेक्सिव प्रणाम जो भी हम लोग पीछे पढ़े थे वो उसका किस सेंस में यूज हो रहा था? खुद को, स्वयं को और अपने आप को, ओके। तो देखो, और हम लोग एक और रूल क्या पढ़े थे कि दिस आर यूज्ड आफ्टर वर्ब, यानी कि वर्ब के बाद ये जो होगा वो आपका यूज होगा, ओके, रिफ्लेक्सिव प्रणाउन। तो मैं अपने आप को जानता हूं, तो देखो यहां पे क्या होगा? आई नो माई सेल्फ, हुआ कि नहीं होगा? आई का रिफ्लेक्सिव प्रणाउन क्या होगा? माई सेल्फ होगा, ठीक है? ये यहाँ पे माई सेल्फ हो गया। फिर देखो, हम लोगों को अपने आप की इज्जत करनी चाहिए, ये है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? वी शुड अपने आप की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट आवर सेल्फ, क्योंकि वर्ब के बाद ही हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर सेल्फ, और वी का रिफ्लेक्सिव होता है आवर सेल्फ, ठीक है? इतना तक समझ में आ गया होगा। फिर देखो, मैं अपने आप को प्यार करता हूं, मैं अपने आप को प्यार करता हूं, तो आई लव माई सेल्फ, ये हो गया कि नहीं हो जाएगा, ठीक है? आई का रिफ्लेक्सिव हो गया माई सेल्फ, और वर्ब के बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिए। तो यहां पे ये एग्जाम्पल जो है और भी है, तो अभी मैं यहीं पे इतना कर रहा हूं कि और जो है और मैं आगे बताऊंगा बाद में, ओके। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका तब मैं बताऊंगा। फिर देखो, इसका रूल एक और कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर सम वर्ब।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब हम लोग करेंगे? कुछ वर्ब जो है उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे फिक्स वर्ब है जहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा तो होगा, वो आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लगेगा तो लगेगा। ओके, कहने का मतलब ये है, देखो जैसे कि इंजॉय हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, प्राइड हो गया, अब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, बिजी हो गया, कंटेंट हो गया, इन सबके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। इससे आप लोग याद कैसे रखोगे? बोलोगे कि सर ये इतना सारा है, इसे हम याद कैसे करेंगे? तो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ठीक है, चलो देखो, बंटी ने कॉलेज में अब एडमिशन लिया। ओके, कॉलेज में एडमिशन लिया, टीचर से इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इंट्रोड्यूस होने के बाद वो कॉलेज में एंजॉय किया, एब्सेंट किया, एंजॉय करने के बाद एब्सेंट के बाद फिर वो रेगुलर होने लगा, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हुआ तो उसे कंटेंट मिल गया, किसी काम के ऊपर काम मिला, यानी कंटेंट हो गया, कंटेंट के ऊपर वो बिजी हो गया, बिजी हो गया, यहाँ पे बिजी जैसे ही हुआ तो उसे प्राइड मिलना शुरू हो गया। ओके, तो इस तरीका से आप लोग इसे याद रख सकते हो। रोहन गया कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसे टीचर से इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस होने के बाद वो एंजॉय करने लगा, एंजॉय से प्रेजेंट हुआ, अब्सेंट हुआ, कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिलने के बाद बिजी हो गया, बिजी के बाद उसे प्राइड मिल गया। तो इन सब के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया है, इससे आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। आई इंट्रोड्यूस इन द पार्टी, ठीक है, सॉरी आई इंट्रोड्यूस नहीं, आई एंजॉयड इन द पार्टी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या बोला गया, वर्ब के बाद हमें लगाना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एंजॉय ये सब में से कोई भी आएगा तो कंफर्म लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो चलो आई एंजॉयड, ये हो गया वर्ब, हो गया हमारा वर्ब के बाद सीधा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, माई सेल्फ लगा दिए, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, हो गया। फिर देखो नेक्स्ट है, ही इंट्रोड्यूस टू द डीएम, तो देखो यहां पे हम लोग ही कर दिए, ही इंट्रोड्यूस्ड, डी यू सी ई टी, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोर तो नहीं ना हो रहे हो, ठीक है। तो चलो यहां देखो, ही इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस के बाद सीधा हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। तो देखो यहां पे क्या हो गया, हिमसेल्फ टू द डीएम, हो गया। यहां पे आई प्रेजेंट इन द मीटिंग, यहाँ पे फिर हम लोग कर देंगे, आई पर लगा देंगे, फिर प्रेजेंट लगा देंगे। ओके, प्रेजेंट लगाने के बाद, प्रेजेंट के बाद तो हमें रिफ्लेक्सिव लगाना है, तो आई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ। इसी तरीका से आप लोग सब बना लोगे इन द, अरे भाई तुम लोग तेज हो भाई, एकदम आप लोग तेज है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या कहता है, सी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सी एब्सेंटेड। सी का क्या होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, इधर देखकर बताओ सी का क्या होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी का होता है हरसेल्फ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास। ओके, फिर देखो लास्ट है, वी शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे होगा वी शुड अवेल, वर्ब के बाद, ठीक है, वी शुड एवल, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर सेल्फ होता है, और वर्ब के बाद भी लगाना, तो यहाँ पे हो जाएगा आवर सेल्फ। आप लोगों को दिख तो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है, आवर सेल्फ होगा क्योंकि वी का हम लोग मैंने पीछे बताया था, सॉरी आवर सेल्फ होगा, एस ई एल वी ई एस, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, आवर सेल्फ होगा कि सेल्फ होगा, आवर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, TUNITY, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव, एक रूल और बचा है, बस एक रूल, फिर आपका रिफ्लेक्सिव पूरी तरीका से खत्म। ओके, तो एक रूल अगर लोग देखेंगे, यहाँ पे तो देख नहीं सकते हैं, तो चलो अगर लोग नेक्स्ट स्लाइड में ही देखते हैं, तो आप बोर्ड समझ जाओ। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लास्ट रूल पे आ गए हैं, ये एक लास्ट रूल है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म। ओके, तो देखिए लास्ट रूल कहता क्या है, लास्ट रूल कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर सम वर्ब, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो कुछ जो वर्ब है आपका
वो कंफर्म जो है मतलब कि एकदम यूज नहीं होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस वर्ब के साथ। ओके, तो कुछ वर्ब है यहाँ पे जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ओके, फिर देखो, ओपन हो गया, सील हो गया, कंसेंट्रेट हो गया, फील हो गया और हरी हो गया। इनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। तो देखो, इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? उसे तो हम लोगों ने देखा कि बंटे गया, इस कॉलेज गया, वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल से हुआ, तो वो एंजॉय करने लगा, एंजॉय करने लगा तो फिर अब्सेंट करने लगा, प्रेजेंट करने लगा, फिर प्रेजेंट हुआ तो उसे कंटेंट मिल गया था। कंटेंट मिलने के बाद उसे क्या हो गया? बिजी हो गया। बिजी के बाद वो प्राइड फील करने लगा। ओके, तो ये वो वाला जो था जिसके साथ भार के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग रहा था, और ये जो होगा इसके साथ नहीं लगेगा। तो देखो, इसे कैसे याद रखेंगे? थम्सअप को ओपन, सील को ओपन किए, सील को ओपन किए, कटाकट एकदम पीते गए कंसंट्रेट के साथ। कंसंट्रेट के साथ किसी भी चीज को पियोगे तो फील तो होगा ही होगा। ओके, तो फील हुआ, हमें फील हुआ, जैसे ही फील हुआ वैसे ही एकदम खत्म जल्दी से हरे। ओके, तो इसे हम लोग कैसे याद रखें? थम्सअप को खोले ढक्कन, एकदम सील उसका खोले, ओपन किए, कंसंट्रेट के साथ पिए तो फील हुआ, फील हुआ तो जल्दी से खत्म हो गया, यानी कि हरी। ओके, हरी हरी बोल, खत्म। ओके, तो चलिए यहां तो एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल से आप लोग को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, अब आई फील माई सेल्फ हॉट, तो इसका क्या बनेगा? मैं आपसे पूछता हूं, एक बता देता हूं फिर पूछूंगा आगे। तो आई फील, फील के बाद तो हमें लगाना नहीं है। क्या बोला गया? मस्ट नॉट बी यूज सम वर्ब, इन सब वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना, तो माई सेल्फ यहां से हट जाएगा, तो सील बचेगा आपका हॉट। ठीक है, आई फील हॉट। फिर देखो, द विंडो ओपन माई, सॉरी इट सेल्फ, द विंडो ओपन इट सेल्फ। ओके, तो यहां पे क्या होगा? इस बार तो आपसे आपसे मैं पूछ रहा हूं, चलो बताओ जल्दी से यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ होगा, आप लोग बताते नहीं हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, द विंडो ओपेन, और इट सेल्फ तो लगेगा नहीं क्योंकि ओपन है, ये वर्ब है एक, तो वर्ब के पास बाद हमें यूज नहीं करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। फिर देखो, यू शुड कंसेंट्रेट योर सेल्फ ऑन स्टडी, तो इसका क्या बनेगा? मेरे बनाने से पहले ही आप लोग कमेंट कर दो कि सर एकदम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसी के साथ यूज होगा जो वर्ब बोला गया, और उसके साथ यूज नहीं होगा जो वर्ब नहीं बोला गया, यानी कि ये भर के साथ। वी शुड कंसंट्रेट, कंसंट्रेट देखकर बताइए तो आ रहा है क्या भर में? तो देखो यहां पे आ रहा है, तो कंसंट्रेट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, कंसंट्रेट ऑन स्टडी, कंसंट्रेट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हट गया। फिर देखो, व्हाई डू यू हरी योर सेल्फ, तो यहां पे तो हरी एक भर है, तो भर के बारे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना नहीं है। व्हाई डू यू हरी, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो यहां पे हो गया ये खत्म। हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या पढ़े एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़े कि आपका कौन कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ होता है, आई का माई सेल्फ होता है, बी का आवर सेल्फ होता है, फिर से ही का हिम सेल्फ हो गया, हर सी का हर सेल्फ हो गया, इस तरीका से आप वहाँ पे हम लोग पढ़े। फिर क्या पढ़े? फिर पढ़े कि इसका यूज जो होता है वो वर्ब के बाद होता है, इसका यूज जो होता है स्वयं को, अपने आप को और खुद के लिए इसमें यूज किया जाता है, इस सेंस में इसका यूज होता है। फिर हम लोग रूल देखें, रूल क्या देखें? रूल देखें कि पीछे का क्या था, इंट्रोड्यूस था, अब्सेंट प्रेजेंट वो सब जो था उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, उनके बाद वर्ब के बाद लगेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर हम लोग ये देखें कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। तो यहाँ पे ये हो गया है खत्म। मजा आया होगा तो ठोकिएगा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल को टन टन कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं। घर पे सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।